फौजी अदालतों की अहमियत पर आवाम का इजहार ख्याल। शहरियों का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल पर कुछ लोगों के तहफ़ुज़ात का होना ठीक बात नहीं। फौजी अदालतों में मुकदमा चलने से दहशतगर्दों को रिलीफ नहीं मिलेगा। सर, आपको पता है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर है और इसका कला कुमा करने के लिए जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और केसेस को तेजी से प्रोसेस करते हैं, तो ये बड़ी एक जबरदस्त और खुशाइंद बात है। अब कुछ लोगों का इतराज होता है कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के केस चलने में पर जो है कोई रुकावट या इस किस्म का कोई तासुर मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। मौजूदा दौर में फौजी अदालतों में जो दहशतगर्दी के खिलाफ केसेस चल रही है, तो उस दहशतगर्दों को रिलीफ नहीं मिल रहे। लिहाजा फौजी अदालतों पर हम पहार भी करते हैं और फौजी अदालतों को हम अप्रिशिएट करते हैं। बाजी फैसले दासी जी आगा जोन चे सेवल अदालतों ना निशिकवले आगा द ताहिर शिकार वी मुंग गुरु चे बाजी की सुना द सेवल अदालत ना पूजी अदालत ते चे कल राशि ना आगा जर नजर फैसले होशी। मेरा खबर है सीधा पूजी अदालत खत्म सुन बेखो वाला का बेखो वाला का दगा खशेवा की या तरह गिरी दौरान कारी खशेवा की तो जा पूजी अदालत ने इसको और करना चाहिए। इसमें चार जज ने फैसला दिए, एक ने अपने साथ महफूज कर लिया है, तो इसके दोबारा गौर करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।